बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक के कॉपियों का मूल्यांकन बिल्कुल तरह से समाप्त कर लिया गया है। समय से मूल्यांकन हो पाया है इस बार मैट्रिक के कॉपियों का। बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त होते ही रिजल्ट की तैयारी में जुट चुके हैं और आशा है कि ये रिजल्ट की तैयारी भी हो जाने के बाद सबसे पहले टॉपर का वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके तत्पश्चात आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड ने क्या बताया है फाइनल डेट और क्या है कन्फर्म डेट, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक के टॉपर जो किए हैं जितने भी छात्र उन सभी का इंटरव्यू और वेरिफिकेशन कब लिया जाएगा। यदि इंटर की रिजल्ट की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनका रिजल्ट मात्र एक महीने में जारी किया गया। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि 16 मार्च का इंटर का रिजल्ट आया है। अभी मैं बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और सबसे पहले किस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए मैं चलूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार बोर्ड के, साथ ही साथ मैं चलूंगा एक अपनी वेबसाइट पे जहां से मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, वो भी एक क्लिक में। तो आप इस वीडियो में बने रहे और ध्यान से समझे सारी बात को। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप रिजल्ट जारी होते ही, लिंक एक्टिव होते ही चुटकियों में अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट। छात्रों, आप लोग को कोई भी रिजल्ट चेक करना हो तो आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे आना है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए आ चुके हैं गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, तो आप ध्यान से देखते रहें। कोई भी रिजल्ट मैं अभी आपको डाउनलोड करके ही बताऊंगा किस तरह से आप लिंक एक्टिव होते ही डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए माधव एनसी डॉट यहाँ पे हमने टाइप कर चुके हैं और इसको सिंपली हम कर देंगे सर्च। इसे आप गूगल या फिर क्रोम कहीं पे भी कर सकते हैं और इसे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देने के बाद हम लोग इसको कर देंगे सर्च। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आइकन यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर आपको रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो ऐसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक करना है ऊपर वाले लिंक पे ही क्लिक करना है, बिहार बोर्ड एजुकेशन वेबसाइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या फिर इंटर रिजल्ट देखिए जारी था तो यहाँ से आप इंटर का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, नीचे आपको ऑप्शन मिल गया था तो वहां से आप इंटर का भी रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम फिलहाल मैट्रिक की बात करेंगे तो मैट्रिक का यहाँ पे क्लिक कर देंगे। पहला वाले पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं, देख रहे हैं मूल्यांकन समाप्त है, रिजल्ट तक कैसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ वाले पे आप क्लिक कर देना है, इसी वाले पे हम लोग क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने नीचे यहाँ पे आया है कब किसका टॉपर का इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन कॉपी कब होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, तो सारे जानकारी यहाँ पे दिया जा चुका है। आप आसानी से ये जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, पढ़कर और सुनाऊंगा। इसके लिए आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। फिलहाल बात करेंगे कब अपना रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2022 ऑफिशियल लिंक से आपको डाउनलोड करके मैं बताऊंगा। तो यहां पे आप इंटर की यदि करना चाहते हैं तो इस लिंक पर से आप किसी भी लिंक से ये या फिर किसी भी लिंक से देख सकते हैं। यदि मानिए मैं इंटर का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ तो मैं देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं इस पर क्लिक करूंगा और एक क्लिक में आपसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमने क्लिक किया और देखिए आपके सामने यहाँ पे केवल रोल कोड और रोल नंबर दर्ज कीजिए, अपना रिजल्ट लीजिए। चलिए हम बैक चलते हैं, मैट्रिक का बताते हैं। तो मैट्रिक का रिजल्ट यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ वाला पे आना है और इस वाला पे आने के बाद आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है रोल नंबर, रोल कोड मांगा जा रहा है। लेकिन मैं बता दूँ कि ये इंटरमीडिएट का ही है, लिंक एक्टिव अभी तक मैट्रिक का नहीं हुआ है। अगर मैं मैट्रिक वाले पर जाऊँगा तो यहाँ से लिंक आपको नहीं एक्टिव हो चुका है। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और इस वाले से आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ आपको वैसा वेबसाइट मिलेगा जहाँ से आप चुटकी में रिजल्ट देख सकते हैं, कोई फेरा आपको नहीं लगेगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गया होगा और आपका रिजल्ट कब आएगा ये जानकारी भी आपको मिल गया होगा। आपका रिजल्ट इसी महीने में आने वाला है बिहार बोर्ड के द्वारा, ऐसा संभावित डेट बताया गया है। वैसे ऊपर दिए गए जानकारी में आपको स्पष्ट हो चुका है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, यहाँ जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।